Hello, my dear kids. Welcome back to your SST class. And I am your teacher and mentor, Ananya. And we are right now doing the Jelly Bean Journey series by Brainroot Publications for class 5. So far, children, we have done chapter number 1 and 2. हमें पता चल गया है कि अर्थ की शेप क्या है, अर्थ को हम ग्लोब के थ्रू और मैप्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, अर्थ पर कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स है जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये सब इमेजिनरी लाइन्स हैं जिनके थ्रू हम अर्थ पर डिफरेंट लोकेशंस पता कर सकते हैं. आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3. एंड वॉट इज़ द चैप्टर टाइटल? द टाइटल इज़ मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, यानी अर्थ कैसे मूव करता है. ठीक है, हमने शुरू में ही पढ़ा है कि अर्थ कंटिन्यूसली कीप्स ऑन मूविंग, अर्थ अपनी जगह पे स्टिल नहीं है, मूव करता है. तो आज हम अर्थ की डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. आइए शुरू करते हैं. क्या क्या पढ़ेंगे हम आज के चैप्टर में? व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी वुड कवर? वी विल स्टडी अबाउट अर्थ्स मूवमेंट, वी विल स्टडी अबाउट रोटेशन, देन वी विल स्टडी अबाउट रेवोल्यूशन, देन समर एंड विंटर सोलस्टिस एंड इक्विनॉक्स. हम इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट लुक एट द गिवन पिक्चर्स. डू दीज रिमाइंड यू ऑफ अर्थ्स मूवमेंट? इन पिक्चर्स को ज़रा देखिए, क्या इनसे हमें अर्थ की मूवमेंट के बारे में कुछ समझ आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपस देखें तो कंपस में जो मैग्नेटिक नीडल्स हैं वो मूव करती रहती हैं. ऐसे जो विंड मिल्स हैं, हवा चलने की वजह से हमेशा ये विंड मिल्स मूव करती रहती हैं. दैट मीन्स अर्थ एक जगह पे स्टिल नहीं है, कहीं ना कहीं अर्थ भी जो है मूव कर रही है. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. अर्थ्स मूवमेंट. एज यू नो दैट अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. हम अपनी पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि अर्थ दो तरह से मूव करता है. वन इज रोटेशन and the second one is revolution. ठीक है, rotation. Rotation is the movement of the earth on its axis. When you spin at a top, it rotates on the axis. क्या होता है, earth बिल्कुल उसी तरह से rotate करता है जैसे कि एक लट्टू. लट्टू को जब हम ऊपर से twist करते हैं तो वो अपनी जो है कील पे या axis पे rotate करता रहता है. earth भी बिल्कुल उसी तरह अपनी imaginary axis पर हमेशा rotate करता रहता है. alright, the only difference is that the axis of earth is invisible because it is an imaginary line. लट्टू के axis को हम देख पाते हैं क्योंकि वो कील हमें दिखाई देती है, लेकिन earth के imaginary line को हम नहीं देख पाते because इट इज़ एन इमेजिनेशन. ओरिजिनली तो वो लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, एक्सिस तो एक इमेजिनरी लाइन है. द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन. एक सिंगल रोटेशन यानी एक सिंगल चक्कर को पूरा करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 घंटे, 24 आवर्स. द अर्थ रोटेट्स इन अ स्लाइटली स्लांटेड पोजिशन टू इट्स एक्सिस इज टिल्टेड. और ये पता है ना हमारा अर्थ, मैंने पहले भी बताया था कि अर्थ थोड़ा सा अपने एक्सिस पर झुका हुआ है. ठीक है, तो दैट इज़ वाई वो थोड़ा सा तिरछा होकर रोटेट करता है जैसे कि ग्लोब की पिक्चर में हमने देखा था. द अर्थ रोटेट्स इन स्लाइटली स्लैंडर्ड पोजिशन एंड एज इट्स एक्सिस इज टिल्टेड. ठीक है, द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन. अब इस रोटेशन के मूवमेंट की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं या व्हाट आर द रिजल्ट्स फॉर दिस रोटेशन? द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इज एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट. इसी की वजह से दिन और रात होती है. द साइड ऑफ अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे व्हाइल द अपोजिट साइड हैज नाइट. एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस द टू साइड्स ऑफ अ प्लैनेट फेस द सन एंड गो अवे फ्रॉम इट ऑल्टरनेटिवली. तो एक्चुअली क्या होता है, अर्थ सन को फेस किए हुए है. एज यू कैन सी हियर, ये सन है और ये हमारा अर्थ है. तो जो साइड अभी सन की तरफ है इस पूरे साइड में क्या होगा, अभी डे होगा. और क्योंकि ये वाला साइड पीछे की तरफ आ रहा है, ये इस तरफ अभी नाइट होगा. फिर जब अर्थ धीरे धीरे रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पे और रोटेट करने के बाद ये पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, तब वहाँ पे डे होगा और यहाँ पे नाइट हो जाएगा. और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, इसीलिए डे और नाइट का कॉन्सेप्ट इजीली पॉसिबल है.
The tilt of Earth is always in a direction of the pole star. This tilt causes the days to be longer in summer and shorter in winter. ये जो हमारा एक्सिस है ये एक्चुअली नॉर्थ पोल यानी पोल स्टार की तरफ झुका हुआ है. दैट इज़ वाई समर्स में हमारे जो दिन हैं वो बड़े होते हैं और विंटर्स में हमारे दिन छोटे होते हैं. ठीक है. सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वी सी सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट. क्योंकि अर्थ जो है ईस्ट टू वेस्ट की तरफ रोटेट करता है इसीलिए हम हर बार क्या देखते हैं कि सूरज उग रहा है ईस्ट से और वेस्ट में डूब रहा है. इन रियलिटी ना तो सूरज उग रहा है ना ही वो डूब रहा है. सूरज अपनी जगह पे फिक्स है. ठीक है. बट अर्थ मूव कर रहा है इसीलिए हमें लगता है कि सूरज जो है उग रहा है और सूरज जो है ढल रहा है. ठीक. रेवोल्यूशन. अब हम सेकेंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. द सेकेंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज रेवोल्यूशन. देखो एक मूवमेंट तो है जो अर्थ अपने एक्सिस पे अपनी ही जगह पे चक्कर लगाता है. दूसरा मूवमेंट है कि वो अर्थ का भी अर्थ जो है वो सन का भी चक्कर लगाता है या सन के राउंड भी जाता है. द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. द अर्थ टेक्स वन ईयर और 365 1/4 डे टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मतलब सन जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सौर मंडल में यानी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हमारे 8 प्लैनेट्स अपने अपने रास्ते पर सन का चक्कर लगाते हैं. उसी तरह अर्थ भी सन का चक्कर लगाता है. और ये जो रास्ता है इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. है ना. जो मान लो दिस इज़ द सेंटर. सन को हम सेंटर लेते हैं सोलर सिस्टम का. ठीक है. ये सन है. दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. अब जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो ऐसे अपने अपने पाथ्स पे सन के चक्कर लगाते हैं. इसी तरह अर्थ भी जो है अपने ऑर्बिट पर चक्कर काटता है सन के. वो धीरे 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 इस पाथ पर ऐसे राउंड लेता हुआ वापस आता है. सो ये एक राउंड कंप्लीट करने को इस मूवमेंट को ही हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है. मतलब सन का चक्कर काटने को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं और एक चक्कर पूरा करने में अर्थ को 365 दिन और एक चौथाई दिन भी लग जाता है. मतलब 365 डेज प्लस 6 आवर्स. ठीक. डे एंड नाइट. डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन. एज द अर्थ रोटेट्स अ पार्ट ऑफ प्लैनेट फेसेस द सन व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट फेसेस अवे फ्रॉम इट. The part of Earth that faces the sun experiences day, while the other part is away from the sun experiences night. Now look at this picture very clearly. ये हमारा sun है. यहाँ से सूरज की किरणें Earth पर गिर रही हैं. ठीक है. जो part Earth का sun को face कर रहा है वहाँ दिन है. ठीक है. क्योंकि वहाँ completely रोशनी पड़ रही है. और जो Earth के पीछे वाला हिस्सा है यहाँ क्या है. यहाँ night है क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही. जब अर्थ धीरे धीरे रोटेट करता हुआ वापस ये पीछे वाला हिस्सा आगे आएगा तो फिर वो डे हो जाएगा उसमें. और ये जो राइट नाउ जहाँ पर डे है जब वो घूमते घूमते पीछे जाएगा तो वहाँ पर नाइट हो जाएगी. वहाँ पे रात हो जाएगी. क्लियर है. 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर्स आर एडेड टू मेक वन डे दैट इज 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर. अब ये जो 6-6 घंटे हम लोग जोड़ते हैं ना. मैंने बताया था ना कि रेवोल्यूशन में 6 घंटे और लगते हैं. तो वो 6-6 घंटे हर साल जुड़ जाते हैं. और 4 साल बाद 6 × 4 यानी 4 साल बाद 6 × 4 गिव्स अस 24. ठीक है. 6×4 = 24. मैथ्स में हमने पढ़ा है 6×4 6 घंटे 6 आवर्स एंड 4 ईयर्स. मतलब हर साल 6 + 6 + 6 + 6. ठीक है. तो 4 साल बाद ये 6 घंटे मिला के फाइनली होता है 24 आवर्स. और ये 24 आवर्स मिला के बनता है 1 डे एक दिन. तो ये जो एक दिन बढ़ जाता है ये हर साल 4 साल के बाद फेब के महीने में यानी फेब्रुवरी में ऐड हो जाता है. और फेब्रुवरी का महीना यूजुअली जो 28 डेज का होता है इस पर्टिकुलर ईयर में 29 डेज का होता है. और इसीलिए इस साल एक दिन ज़्यादा होता है. मतलब यूजुअली एक साल 365 डेज का होता है पर 4 साल बाद जब वो एक दिन ऐड हो जाता है फेब्रुवरी में तो वो 366 डेज हो जाता है. तो अ ईयर विथ 366
6 days, ठीक है, जिस साल में 367 यानी 366 डेज हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं. लीप ईयर इज अ ईयर व्हेन द ईयर हैज टोटल नंबर ऑफ 366 डेज. और लीप ईयर में हमेशा जो है ये याद रखिए बच्चों कि लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद आता है. आफ्टर एवरी 4 ईयर्स लीप ईयर्स आर रिपीटेड. ओके, द ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर्स, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. 4 सीजन्स हम मेनली फॉलो करते हैं साल में. समर, समर के बाद आता है ऑटम, ऑटम के बाद आएगा विंटर, और विंटर के बाद आता है स्प्रिंग. ठीक है, एज द टिल्टेड अर्थ मूव्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, अ सर्टन पार्ट ऑफ अवर प्लैनेट गेट्स क्लोजर टू सन. यू हैव लर्न दैट इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 equal halves, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. सो वी, व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इन जून, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर. हमने पढ़ा है ना कि अर्थ जो है थोड़ा सा टिल्टेड है सूरज की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ से. सो वॉट हैपन्स जब ये पोजिशन, मतलब अर्थ जब घूमता हुआ सन की तरफ झुका हुआ है, नॉर्थ पोल जब बहुत ज़्यादा पास आ जाता है सन के, तो नॉर्थ के एरियाज़ में, नॉर्थ पोल के एरियाज़ में हर जगह समर सीज़न एक्सपीरियंस होता है. और उस टाइम पे साउथ के एरियाज़ में, यानी जो जगह साउथ में लोकेटेड है, वहाँ पे विंटर सीज़न होता है. क्लियर है? At the same time, the South Pole is tilted away from the sun. Therefore, the Southern Hemisphere experiences winter. So, जो area मतलब tilted होने की वजह से जो North Pole का area sun के पास है वहाँ पर summer season होगा, और इसी तरह South का जो area है Southern Hemisphere में जो sun से थोड़ा दूर है वहाँ पर winter season होगा. Also, there are times during the Earth's revolution when two poles are at the equal distance from sun, neither tilted nor towards sun. At such times we experience spring and autumn. ऐसा भी समय आता है जब अर्थ जो है बहुत ज़्यादा tilted नहीं होता, थोड़ा सा equally distant होता है sun पर से. ऐसे समय में हम autumn और spring season, यानी पतझड़ का महीना और बसंत ऋतु को experience करते हैं. ठीक है, द वेदर इज नीदर हॉट एंड नॉर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग दीज सीजन्स. इन दोनों ही सीजन में वेदर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. मॉडरेट टेम्परेचर रहता है और काफ़ी प्लेजेंट वेदर होता है. बिसाइड्स कॉजिंग सीजन्स, द टिल्ट ऑफ अर्थ कॉजेज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑल्सो. ये जो एक्सिस पर जो झुकाव है अर्थ का, इसकी वजह से अर्थ जो है हमारा जो दिन और रात है उसके डिवीजन में भी वेरिएशन आता है. कई बार जो दिन है वो बड़े होते हैं और कई बार दिन छोटे होते हैं. ठीक है, ये भी इसी का एक रिजल्ट है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग समर डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्ट. समर सीजन में जो दिन है वो बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और इसका ऑपोजिट होता है विंटर सीजन में. However, in winter it is opposite. Days are shorter and nights are longer. Winter में क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें जो हैं वो बड़ी होती हैं, क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाता है. Summer solstice और winter solstice के बारे में पढ़ेंगे. The rays of sun fall directly on the Tropic of Cancer 23.5 degrees north. As a result, these areas receive more heat. इन जगहों पे ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सन रेज गिरने की वजह से यहाँ पे जो जगह लोकेटेड हैं, जो प्लेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती हैं या वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस, और पोल्स की तरफ जो है स्लांटिंग रेज जाती हैं, इसीलिए पोल्स पर कम रोशनी पहुँच पाती है, और दैट इज़ वाई पोल्स का जो एरिया है वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, रादर वहाँ पर ठंड होती है मोस्टली. The longest day and the shortest nights at these places occur on 21st June. है ना, longest day और shortest night जो है 21st June को होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं summer solstice. इसको हम क्या बोलेंगे, summer solstice. ठीक है, इसी तरह से winter solstice भी होता है. On 22nd December, the Tropic of Capricorn, यानी जो south pole में Tropic of Capricorn है, वो direct rays मिलेंगे सन को. ठीक है, एज द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अ लार्ज पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट. सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा लाइट मिलती है उस दिन. द
Therefore, it is summer in the southern hemisphere where days are longer and nights are shorter. और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे winter solstice. क्या बोलेंगे इसको हम? Winter solstice. ठीक है? इसके अलावा हम एक और टर्म है equinox, उसके बारे में भी जानते हैं. Equinox means साल में ऐसे दो दिन जहाँ पर बिल्कुल equal day और equal night होगा, यानी ना तो दिन बड़े होंगे और ना ही रातें बड़ी होंगी. जितना टाइम दिन का होगा उतना ही टाइम नाइट का होगा. 21st मार्च एंड 23rd सेप्टेम्बर डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज सन की पड़ती हैं और इसीलिए इक्वल डेज और नाइट होते हैं. एट दिस पोजिशन ईदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स. दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. क्योंकि इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स है इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसे इक्विनॉक्स बोल रहे हैं. ऑलराइट, अब हम क्विकली एक चार्ट डायग्राम के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. दो मेजर मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के, रोटेशन और रेवोल्यूशन. ठीक है, रोटेशन जो है क्या कॉज करता है? डे और नाइट. और रेवोल्यूशन सीजन्स कॉज करता है. कौन से मेजर सीजन्स हैं? स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. क्लियर? सो ये सारे मेजर सीजन्स हैं. ऑल राइट, नाउ लेट्स फाइंड आउट सम इम्पॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें नहीं पता, जीके के लिए अपडेट कर लेते हैं. डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग समर सीजन. जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस सेलिब्रेट होता है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली समर सीजन होता है. ठीक है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में उस वक्त समर हो रहा होता है. ऑल राइट, लेट्स बिगिन. हमने इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर है. रोटेशन, व्हाट इज रोटेशन? द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटर लाइन के इर्द गिर्द जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट्स करता है. रेवोल्यूशन, द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अराउंड अ पॉइंट. एक पॉइंट के चक्कर लगाने को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. टिल्टेड, टिल्टेड मीन्स जब हम झुके हैं किसी चीज़ की तरफ. इक्विनॉक्स, अ फिनोमिनन व्हेन सन रेज डायरेक्टली फॉल ऑन इक्वेटर. यानी ऐसा एक वेदर फिनोमिना जब सूरज की किरणें डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं. ठीक है, नाउ लेट्स ऑल्सो गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी कवर्ड इन दिस चैप्टर. हमने जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर टू इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. बिल्कुल, सीजन्स ऑकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रेवोल्यूशन. अर्थ सूरज के चक्कर लगाता है और इसी वजह से रेवोल्यूशन एक्सपीरियंस करते हैं. द टिल्ट ऑफ द अर्थ कॉजेज वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट्स. अर्थ झुका हुआ है सन की तरफ इसीलिए डे और नाइट में इक्वल नहीं है, मतलब इक्वालिटी नहीं है, अलग अलग टाइम पीरियड है. द अर्थ कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन वन ईयर और 365 डेज, 1.5, दैट इज 1/4 ऑफ द डे. ठीक है, यानी 365 दिन प्लस 1/4 दिन और ऐड हो जाता है, यानी 6 आवर्स. ठीक है, क्लियर है? सो ऑल दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव कवर्ड इन अवर चैप्टर. Now it's time to proceed towards the exercises. First of all, we have choose the correct options. ठीक है, MCQs दिए हुए हैं, we will be solving them one by one. Dash is the movement of earth on its axis. So the correct option is rotation. Rotation is the movement of earth on its axis. ठीक है, अपनी imaginary line पे earth घूमता रहता है. Second, a year is divided into dash seasons. How many seasons? 4 major season. Summer, winter, autumn and spring, right? Next, on dash and dash, direct rays of sun fall on the equator. Equinox ke din direct rays jo hai sun ke upar girte hain. So 25th January, 28th February, 2nd May, 10th June, 21st March, 23rd September, 21st March, 21st June. So the correct option is 21st March and 23rd September. इन दोनों दिन इक्विनॉक्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फर्दर. बी, फिल इन द ब्लैंक्स. द अर्थ टेक्स डैश टू कंप्लीट वन रोटेशन. अर्थ टेक्स कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. तो वी विल राइट 24 आवर्स. क्लियर?
अर्थ को 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में. सेकेंड वन, डैश आर कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन. अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट कॉज होता है, तो डे एंड नाइट्स. नेक्स्ट थर्ड वन, अ डैश एस 366 डेज अ लीप ईयर. एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. फोर्थ, डैश डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, इक्वेटर. इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में बांट देता है. ठीक है, सो द राइट आंसर इज इक्वेटर. फिफ्थ वन, 22nd डिसंबर इज नोन एज डैश एंड 21st जून इज नोन एज डैश. 22nd डिसंबर को हम विंटर सोलस्टिस के नाम से जानते हैं. And 21st June को summer solstice, right? All right, children. So I hope you have noted down the fill in the blanks. Now let's move to exercise number C. State whether the following statements are true or false. क्या ये statements true हैं या ये false हैं? First one, the earth has two types of motion. Yes, it is true. Correct. Second one, the movement of the earth around the moon on its orbit is called revolution. This is false because earth moon ke chakkar nahi kaatta hai. Yahan ye galat hai, earth sun ke chakkar kaatta hai. Third, the sun rays fall slanting on the tropic of Capricorn. Yes, saal bhar mein to slanting hi padta hai, par kuch area time periods mein directly bhi padta hai. Theek hai, hamesha to saal bhar जो है स्लांटिंग ही पड़ता है मोस्टली. सो दिस इज़ अ नेक्स्ट फोर्थ, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन विंटर सीजन इन ऑस्ट्रेलिया. नो, दिस इज़ फॉल्स. क्रिसमस में विंटर सीजन नहीं, समर सीजन में सेलिब्रेट होता है, ये हमने अभी फैक्ट्स में पढ़ा है. ठीक है. फिफ्थ वन, द इक्विनॉक्स हैज़ इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स. येस, दिस इज़ ट्रू. इक्विनॉक्स के दिन जो है इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं. So children, I hope that you have noted down all the questions correctly in your book or notebook. With this, we come to an end to this chapter also. I hope you have understood the concepts clearly. आपको latitude और longitude के बारे में पता चल गया है, earth के different movements के बारे में पता चल गया है, किस तरीके से earth rotate होता है, rotation की वजह से day और night होता है, और revolution की वजह से seasons होते हैं. इसके अलावा हमने दो और important चीज़ के बारे में पढ़ा, that is solstice, winter solstice और summer solstice. और इसी तरह हमने equinox के बारे में पढ़ा कि साल में ऐसे दो दिन जिस दिन days और nights हमेशा एकदम exactly equal होंगे. Okay children, so with this we end today's session. I hope that you enjoyed the session and you are eager to learn something new very soon. So I will meet you again with some interesting chapter of your series Jelly Bean Journeys. All right, so stay tuned for the upcoming videos. Bye bye and take care.